दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर मेघना रायकर और आप सभी का वैदिक कलर्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा और आपका दोनों का उद्देश्य है कहानियाँ सुनना और सुनाना। इसी कड़ी के तहत आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही छोटी सी मगर प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों कि एक बहुत बड़ा राज दरबार है। उस राज दरबार में राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा है, उनके समस्याओं को सुलझा रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है, कुछ जवाब दे रहा है। इसी बीच दरबारवान जो होता है वो आकर बोलता है कि राजा आपसे मिलने के लिए एक साधु आए हुए हैं। तो राजा तुरंत खड़े होते हैं और आदर आतिथ्य के साथ उनका स्वागत करते हैं और राजा के स्वागत से साधु बहुत खुश होते हैं और साधु बोलते हैं कि राजा आप मांगिए, आपको क्या दान चाहिए। तो राजा बड़े नम्र स्वर में सिर झुकाते हुए बोलते हैं कि मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं और मेरी प्रजा, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी प्रजा मुझसे बहुत सुखी रहे, खुश रहे, तो आप ऐसा कुछ करिए कि मैं और मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे। तो साधु दो मिनट विचार करता है कि भाई ऐसा उसने मांगा है, अपने से वरदान मांगा है, तो अपने को उसे क्या देना चाहिए। तो साधु बोलते हैं कि मैं आपको एक ताबीज़ दूंगा जो आपकी और आपकी प्रजा की रक्षा करेगा, पर पहली बात तो यह है कि ताबीज मैं आपके गले में नहीं बांधूंगा, मैं उसको आपके हाथ में, जैसे कि अपन सब जानते हैं रक्षा कवच अपन बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, उस तरह मैं उस ताबीज को आपके हाथ में बांधूंगा और उसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो जो लिखा है वो आपकी प्रजा की सुख शांति के लिए और आपकी सुख शांति के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, पर उस ताबीज को कभी खोलना नहीं, और कभी आपको खोलना पड़े तो ऐसे समय खोलना जब आप बहुत मुसीबत में हो और आप बड़े असमंजस में हो, आप कोई फैसला न लेने की परिस्थिति में हो, तभी उस ताबीज को खोलना। तो राजा बहुत खुश होता है कि चलो अपने को साधु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहाँ जो राज दरबार में बैठी प्रजा थी वो भी साधु और राजा के वार्तालाप सुनकर बहुत खुश होती है कि चलो अब अपने को साधु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो हमारी जो प्रजा है वो भी सुखी रहेगी, मैं भी सुखी रहूँगा और सब खुशहाल रहेंगे। ऐसे होते होते 3-4 साल बीत जाते हैं, वो ताबीज़ राजा के हाथ में बंधा रहता है। एक दिन राजा को बड़ा शौक आता है कि आज शिकार करने चला जाए और वो अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल की तरफ निकलता है और एक सामने ही बहुत खूंखार शेर जैसे कि उसके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। तो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं अकेला इस शेर का शिकार करूंगा। शेर आगे आगे और राजा पीछे पीछे भागते 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 बहुत समय हो जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, शेर चकमा देता रहता है और भागते भागते शेर जो है दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका रहता है तो राजा को ये पता नहीं पड़ता कि अपनी सीमा लांघ कर हम किसी और राजा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, और किसी और राजा की सीमा में प्रवेश करना वो भी बिना अनुमति लिए तो आपको भी पता है कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो जैसे ही शेर तो चकमा दे के भाग जाता है और राजा जब शाम को इधर उधर देखता है कि अरे मैं तो किसी और राजा की सीमा में आ चुका हूँ, वो घबरा जाता है और दूर से उसको सैनिकों की और घोड़ों की टापों की आवाज़ टपड़क 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 उसके करीब आती हुई सुनाई देती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराहट में वो बहुत तेज अपने घोड़े को चलाता है और चलाते चलाते सामने एक गुफा दिखती है, उस गुफा में जाकर वो शरण ले लेता है। इतनी बुरी तरीके से वो हाँफता है, घबराता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि बस इसके आगे मेरा जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, दूसरे राजा के सैनिक मुझे पकड़कर ले जाएंगे और मेरा क्या हाल होगा। उसे खुद को मालूम था बिना अनुमति के उसने क्योंकि दूसरी सीमा में प्रवेश किया था, पर इस असमंजस की स्थिति में जैसे ही वो हाथ जोड़ के भगवान की तरफ सोचने लगता है उसकी निगाह उस हाथ में बंधे हुए रक्षा सूत्र पर पहुंचती है और उसको साधु की कही हुई बात याद आ जाती है कि जब भी कभी मुसीबत हो इस रक्षा सूत्र को तभी खोलना। वो उस रक्षा सूत्र को खोलता है, उस ताबीज को खोलता है, उसके अंदर लिखा एक छोटी सी पर्ची रहती है, स्लिप जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, उस स्लिप में लिखा रहता है ये समय भी कट जाएगा। वो दो बार इस लाइन को पढ़ता है, ये समय भी कट जाएगा, और
पढ़ते बराबर धीरे धीरे उसकी जो सांसें हैं वो संयमित होने लगती हैं, वो उसका जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो थोड़ा सा कूल डाउन होता है, वापस अपने फॉर्मेट में आता है कि हाँ मैं राजा हूँ, ठीक है मेरे से गलती हुई है पर चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। वो इतना सोचता ही है कि उसको टापों की आवाज़ दूर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि सैनिक उसको खोज नहीं पाए और सैनिक चले गए और सारी समस्या एक मिनट के अंदर सुलझ जाती है। यहाँ आप गौर करिएगा कि उस स्लिप में लिखा हुआ था कि ये समय भी कट जाएगा और हकीकत में 3 या 4 मिनट के अंदर जो डर, असमंजस, भय की स्थिति थी वो सब खत्म हो गई और धीरे धीरे वापस राजा अपने फॉर्मेट में आता है, घोड़े पर बैठता है और अपने सैनिकों को ढूंढता हुआ सकुशल अपने राज्य में प्रवेश कर जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। अब इस कहानी से हमें सीख ये लेनी है कि ये समय भी गुजर जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आज हम सब अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। कैद कहना तो सही नहीं होगा, हम अपने अपने घरों में रुके हुए हैं और उस समय की राह देख रहे हैं कि कब ये समय निकल जाएगा और हम वापस अपनी जो पुरानी जिंदगी है उसके फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ यह कहानी का मैं विराम देना चाहूँगी कि ये समय भी निकल जाएगा, वो समय यकीनन वापस आएगा जब हम वापस अपने फॉर्मेट में आएंगे और सकुशल हम अपनी दैनिक दिनचर्या को आरंभ करेंगे और हम सभी अपने अपने जो नियत स्थान है, वर्क प्लेसेस है, वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे और एक बार फिर से हम सब सोशलाइज हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये कहानी को विराम देती हूँ। आपको ये कहानी यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में इस कहानी को शेयर करिएगा और इस चैनल को, वैदिक कलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।